महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने तबलीगी जमात के लोगों को लेकर शनिवार को विवादित बयान दिया। कोरोना के संदेह में क्वारंटाइन किए गए जमातियों के महिला मेडिकल स्टाफ के साथ कथित अभद्रता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों का इलाज रोकने की बात कही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। ठाकरे ने एक इंटरव्यू में ये बातें कही। ठाकरे ने मीडिया को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में मीटिंग हुई। लॉकडाउन के वक्त जमात के जमावड़े से कोरोना से जंग को नुकसान पहुंचा। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए, उन्हें भला इलाज की क्या जरूरत है। एक अलग कानून बनाकर उन लोगों को इलाज रोक दो। यदि वे सोचते हैं कि उनका धर्म देश से बड़ा है और वे कुछ साजिश कर रहे हैं, वे लोगों पर थूक रहे हैं, वे नर्सों से अभद्रता कर रहे हैं, तो उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को तो बुरी तरह पीट कर वीडियो वायरल कर देना चाहिए। एमएनएस चीफ ने कहा, यह वक्त किसी धर्म पर बहस करने का नहीं, लेकिन मुस्लिमों से यदि कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जरूरत है। उन्हें समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए ही है, इसके बाद वहां हम लोग होंगे। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।